Hi, my name is Ravish Mishra. Hi, this is Shagun Sharma. And you're watching us on TeddyClam. Hi guys, welcome to TeddyClam. Hello. Hi. Hi, TeddyClam. Hi. So firstly guys, many congratulations aapke show ke liye. क्या कहना चाहूंगी, काफी यू नो अच्छा शो रहा है, पहले से टीआरपी में रहा है और इनफैक्ट एकता कपूर का शो हो तो क्या कहना चाहूंगी. लगा तुम स्टार्ट कर रहे हो. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मेरा स्टार्ट ही करियर का बालाजी के शो से हुआ था, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इफ़ आई गेट दी चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद बालाजी अगेन दैट बी अमेजिंग. तो मैं बहुत खुश हुई थी जब मुझे ये शो के लिए मॉक शूट के लिए भी आया. कौन था पहला शो? कौन सा था? कुछ तो तेरे मेरे दरमियाँ. अरे सो आई जस्ट से कि मतलब ये शो हैज़ गार्नर्ड सो मच ऑफ लव ऑलरेडी. हमारे मतलब इसमें हिस्सा, हमारा ख्याल भी आता कि हम हिस्सा बन सकते हैं शो का, तब से इट हैज़ बीन लाइक विनिंग सो मेनी हार्ट्स. सो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल एंड लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. ओके, अपने अपने कैरेक्टर की अगर बात करें तो व्हाट इज द वन यू नो चैलेंजिंग थिंग जो आप अपने कैरेक्टर में देखते हो? चैलेंजिंग थिंग? यस. ऐसा कर लेंगे, एक एक ऑल्टरनेट पहले पहले आंसर करेंगे. इसमें मेरी बारी है ना. तो चैलेंजिंग थिंग अबाउट अर्जुन इज विच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम प्रविष. अर्जुन इज वेरी वेरी इमोटिव, वेरी वोकल अबाउट हिज इमोशंस. मतलब उसे जब जैसा लगता है, जब जो महसूस होता है, वो काफ़ी तुरंत उस इमोशन को, जनरली उस इमोशन को वो चैनलाइज तो कर देता है, किसी ना किसी तरीके से चैनलाइज कर देता है. जनरली साफ साफ बोल देता है, अगर कभी यहाँ वहाँ बोल ना पाए तो किसी तरीके से तो इमोट कर देगा. तो वो मुझे चैलेंजिंग नहीं लगता, बट इट्स जस्ट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एक्चुअली एम एज अ पर्सन. आई मे नॉट इमोट एवरीथिंग आई फील और एवरीथिंग दैट आई हैव थॉट ऑफ और आई फेल्ट एट दैट मोमेंट. कई बार आई होल्ड बैक और आई जस्ट कीप अ फ्यू इमोशन विद मी. अर्जुन डजंट डू दैट. इनिशियल डेज में मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता था, बट जैसे जैसे मैं टाइम हो रहा है, जैसे जैसे मैं काशवी के कैरेक्टर को ज़्यादा अच्छे से समझ भी रही हूँ, मुझे लगता है कि मोर देन डिफरेंट मुझे काफ़ी चीज़ें सिमिलर लगती हैं. चैलेंजिंग मुझे काशवी के लिए वो इमोशन चैलेंजिंग लगता है कि शी इज़ स्टेइंग विद समवन शी लव्स एंड वो अभी तक उस चीज़ को बोल नहीं पाई है, बट अदर देन दैट आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर है. तो मुझे एज सच उसके अलावा कुछ चीज़ वैसा चैलेंजिंग नहीं लगता. काशवी काफ़ी डिग्निफाइड है, मतलब काशवी द कैरेक्टर ये थोड़ी झल्ली सी है. अरे तो लिस्ट दे दे. अरे मतलब समझो, फॉर एग्जाम्पल इसने बहुत कंट्रोल करना चाहा. तो फिलहाल तो बिकॉज द कैमरा ऑन शी इज मतलब डन इट इन अ वेरी सटल वे, है ना. अब तक चिल्ला चुकी होती है. So, ऐसी जल्दी सी है.